लाइव पढ़ाना छोड़ दीजिए, हमारे पास आके पढ़ाइए, 107 करोड़ रुपया देंगे। हमारा में पैदाइशी एगो खराबी, ऊंचे आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं और किसी की आवाज नहीं सुन सकते। 1857 की क्रांति में कानपुर से युद्ध किसने लड़ा था? नाना साहब। उन्हें देश प्रेम नहीं था, उन्हें अपना पेंशन नहीं मिल रहा था, इसलिए लड़े थे। 1857 की क्रांति, हम लोग उसी समय आजाद हो गए रहते लोग, 90 साल पहले ही। अगर कोई देश प्रेम के लिए लड़ रहा होता तब पूना पे कब्जा कर लिया। अंतिम पेशवा बचे कौन थे? बाजीराव दुख। पुणे की संधि किससे हुई होगी? बाजीराव। पुणे की संधि के तहत बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने कहा कि ससुरा इसको हराएंगे तो फिर बवाल हो जाएगा। बवाल कैसे हो जाएगा? जनता विद्रोह कर देगी। तो हम यहाँ कमाने आए हैं कि डेली डेली विद्रोह करने आए हैं? समझाएंगे कमाने। तो इसने कहा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा 10 साल आगे का प्लान लेके चले सर। इन्होंने कहा, बाजीराव द्वितीय को कहा कि देखिए आप लिखित दीजिए कि मैं मराठा साम्राज्य अपनी इच्छा से छोड़कर जा रहा हूं, बदले में हम आपको पेंशन देंगे। क्योंकि अंग्रेजों को पता था पहले इनसे साम्राज्य छोड़वाओ ना, 5 साल बाद पेंशन बंद करना कौन मार बड़ी बात। नहीं समझ में गया? जैसे अगर हम ही से कोई कह दे, देखिए हमसे कई आदमी बोला, हम खान साहब आप अपना यहां पढ़ाना छोड़ दीजिए, लाइव पढ़ाना छोड़ दीजिए, हमारे पास आके पढ़ाइए, 107 करोड़ रुपया देंगे। समझ में गया कि नहीं गया? अब वहां पर अब हम चल जाएंगे, पता चला हमरा सिखा रहा है इतिहास, अंग्रेज वाला पेंशन वाला योजना। समझ में आएगा कि नहीं? हमको देंगे भाई, हम छोड़ के चल जाएंगे तो तेरे हिसाब से ना हो जाएंगे। हाँ, और हमको तुम ऊंचा आवाज में बोलेगा तो हमको सुनना पड़ेगा, किसी के अंडर में रहेंगे ऊंचा आवाज में बोलेगा सुनना पड़ेगा। हमारा में पैदाइशी एगो खराबी, ऊंचे आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं और किसी की आवाज नहीं सुन सकते। अब तुम ससुरे 107 करोड़ दो, चाहे चांद सूरज उठा के पृथ्वी पर रख दो, ऊंचे आवाज हम किसी का नहीं बर्दाश्त कर सकते। कौन मैसेज? राष्ट्रगान की बात अलग होती है, बाकी के लिए किसी आप लोगों से भी कह सकते हैं, जीना है अगर भारत में है तो ऊंचे आवाज में केवल राष्ट्रगान सुनिए, बाकी किसी की बोले ना राखी लगा के जमान खींच लीजिए ले। इसलिए सबको बता, इज्जत सबकी कीजिए, लेकिन जब बात आपकी इज्जत किया है किसी को नहीं बर्दाश्त कीजिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। यहां पर थोड़ा बहुत पैसा आगे पीछे होगा चलेगा, कोई चीज आगे, लेकिन इज्जत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और आप लोग भी इसका ध्यान रखिए, दूसरे की भी इज्जत का ख्याल रखिए। कभी भी ये नहीं, हम अपना रिस्पेक्ट करें तो इसका मतलब नहीं कि दूसरे को इज्जत से नहीं दे। हम रिक्शा ठेला वाला सबको इज्जत से बात करते हैं, चाचा भैया बाबू जोन जी कह के, इन चढ़ जाए कौन जी करेगा, गलत बात है, दूसरे का भी सम्मान कीजिए। अंग्रेज बहुत खतरनाक चाल पे चले सर, उन्होंने बाजीराव द्वितीय से क्या लिखवा दिया कि मैं पूना छोड़कर जा रहा हूं, और बाजीराव को कहा कि देखिए आपको पूना से टोटल कितना पैसा मिलता है, टैक्स में कितना मिलता है, उन्होंने बताया इतना पैसा, सैलरी उरी काट कूट के कितना बचता है, तो बता दिए कि भैया इतना बचता है, कहा देखो इतने हम तोरा पेंशन देंगे। अंग्रेजों ने देख लिया भैया इसको इतना मिलता ही है, हमको महाराष्ट्र से उतना मिलेगा, एकरे दे देंगे पेंशन, 4 साल 5 साल पेंशन देंगे, एकरा पहले यहां से भगाओ। तो भेज दिया गया उत्तर प्रदेश के कानपुर में, और वहां मराठे जाके बोलते हैं अभी मराठी कौन जी बोलते हैं, अरे मराठी यहां बैठे रहो चुपचाप यहां पर। उस समय ना फोन था ना टेलीफोन ना कुछ, कहां उधिया के चल गए पते नहीं चलेगा, पूना से उठा के कहां भेज दिया, कानपुर, कहां भेज दिया, कानपुर। और इन अंग्रेजों को पता था कि जो भी टेंशन फ्री थे कि भैया हमारा इतना दिमाग नोचाता था तब हमारा इतना पैसा आता था, टेंशन फ्री, यहाँ पेंशन आएगा, कानपुर में रहेंगे। और अंग्रेज सर पे रख दिए सर तलवार, कहा कि साइन कीजिए ना तो छपाक से उड़ा देंगे, हारे थे युद्ध में तो मानना ही पड़ेगा। और कहां भेज दिया, पुणे, कहां भेज दिया, अंतिम पेशवा का नाम बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय कहां भेज दिया गया, कानपुर, कहां भेज दिया, कानपुर में। इन्हें क्या भेज दिया था, पेंशन। अंग्रेजों की चाल क्या थी, 15-20 साल बाद जब 20 साल बाद एक जनरेशन चेंज हो जाता है, आज से 20 साल का माहौल, 20 साल पहले आपके मोहल्ले में कौन रहता था क्या रहता था, काफी चेंजिंग आ गई होंगी, समझ में गए, बहुत सारा चेंजिंग। इन्होंने कहा कि भाई बहुत दिन हो गया, एक काम करते हैं इनका पेंशन बंद कर देते हैं। साम्राज्य पहले छीन लिया, अब पेंशन भी बंद कर दिया, अब खाएगा कौन चीज, मजदूरी करेगा। अंग्रेज का हमारा उसे कोई मतलब नहीं, बाजीराव द्वितीय बूढ़ा होके मर गए, इनका अपना बाल बच्चा नहीं था, ये गोद लिए थे, नाम था नाना साहब, नाना साहब। अब नाना साहब वाला नहीं जो तृतीय पेशवा, उनका भी एक आदमी के दो नाम हो, नाना साहब। तो बताइए पेंशन मिल किसको रहा था, इनके मरने के बाद पेंशन किसको मिलना था, अंग्रेजों ने कहा कि ना पेंशन ना मिलेगा,
तो नाना साहब कहे कि हम खाएंगे कौन चीज, कहा घास भूस जो मन है खा लो, तो इनको चौपट कर दिया। अब बताइए ये नाना साहब को कोई अब महाराष्ट्र में जाएंगे कोई पूछेगा? पहला तो ये कि यहां से ये जा चुके हैं और इनके अनुपस्थिति में पूरा साम्राज्य किस पे कब्जा कर लिया है, अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों। और इनको कहां भेज दिया है? कानपुर। इसीलिए आप पढ़िएगा 1857 की क्रांति में कानपुर से युद्ध किसने लड़ा था? नाना साहब। उन्हें देश प्रेम नहीं था, उन्हें अपना पेंशन नहीं मिल रहा था, इसलिए लड़े थे। 1857 की क्रांति, हम लोग उसी समय आजाद हो गए रहते लोग, 90 साल पहले ही। अगर कोई देश प्रेम के लिए लड़ रहा होता तब, नाना साहब जब तक पेंशन मिला अंग्रेजों का विरोध नहीं किए, क्योंकि अंग्रेज पेंशन देते समय कहते थे कि आप हमारा साथ देंगे तभी आपका पेंशन मिलता रहेगा। तो अंग्रेजों ने पेंशन दे के भेजा किसको? बाजीराव द्वितीय। इनका दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ लड़का, दत्तक पुत्र किसे कहते हैं? गोद लिया। इनका नाम था धोंधू पंत। क्या नाम था? धोंधू पंत। इन्हें नाना साहब कहते हैं जबकि ओरिजिनल नाम क्या था? धोंधू पंत। इनको धोंधू बना दिया सब, कौन? अंग्रेज। पेंशन बंद कर दिया सब। अब जब पेंशन मिला था तो 2-4 बीघा जमीन लिखवाए होंगे, वही में खेती उती करके खा रहे होंगे, और कौन सी। 1857 का विद्रोह हुआ तो क्या कर दिए? मार धार चालू कर दिए, अंग्रेज घेर लिया से, कहा तेरा पूरा खानदान के फाइल निपटे लो हम, हुआ तू अकेले कौन सी कर लेगा, और तू भी इस खानदान का नहीं है। क्या हुआ है? गोद लिया हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अंग्रेजों ने कहां भेज दिया इन्हें? कानपुर। अब बताइए तो नाना साहब ने विद्रोह में भाग क्यों लिया था? चलिए विद्रोह में भाग ले लिए तो ठीक बात है, पेंशन के लिए। यूपी में इनका कोई समर्थन देने वाला रहेगा नहीं, लेकिन यही विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ रहता तो साथ दे देते सब, खानदान था अपना। अब मान के आप पटना में आके मार कीजिएगा, यहाँ कौन आएगा आपको बचाने? अब वही गाँव होगा तो चाचा दौड़िया हो, चाचा तुरंत दौड़ जाएंगे, सब गांव वाला दौड़ जाएगा सब। समझ में आ गया कि नहीं? क्या यहाँ कोई नहीं। देखिए अंग्रेज सबका चाल कितना तगड़ा था, अगर वो चाहते तो पेंशन दे के महाराष्ट्र में कोनो कोना में रख देते सब, नहीं रखा था, कहाँ भेज दिया सब? बाहर जाओ भागो वहां पे। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। चलिए अब ये महाराष्ट्र, धीरे धीरे मराठों की शक्ति क्या हो गई? खत्म हो गई।